हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ईवीएस का पीरियड स्टार्ट किया जाए। ईवीएस में बच्चों हम लोग चैप्टर 13 कर रहे थे, मैपिंग माई नेबरहुड, जिसमें हम यहाँ तक रीड कर चुके थे। आज हम आगे का चैप्टर रीड करेंगे। टू रीच दीज प्लेसेस वी नीड टू नो देयर एग्जैक्ट लोकेशन फॉर आवर हाउस फ्रॉम आवर हाउस। इस प्लेस तक पहुंचने के लिए, कि जो भी प्लेस है, पार्क, स्कूल, पुलिस स्टेशन, मार्केट, रेलवे स्टेशन वगैरह वगैरह, कोई भी प्लेस पे हमें अगर जाना है तो हमें उस प्लेस की एग्जैक्ट बिल्कुल सही लोकेशन पता होनी चाहिए। आल्सो वी शुड नो द डायरेक्शन विच वी नीड टू फॉलो। कि हमें डायरेक्शन पता होना चाहिए कि अगर हम घर से हॉस्पिटल या मार्केट हॉस्पिटल जाना चाहते हैं और हम राइट की बजाय लेफ्ट को अगर टर्न हो जाएंगे तो हम हॉस्पिटल की बजाय कहीं और पहुंच जाएंगे। इसी तरह कोई भी रॉन्ग डायरेक्शन लेने से हम उस जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमें किसी भी जगह पे पहुंचने के लिए डायरेक्शंस का भी पता होना ज़रूरी है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शंस। वी मस्ट नो द डायरेक्शंस टू लोकेट एनी प्लेस। हमें किसी भी प्लेस पे, किसी भी जगह को लोकेट यानी कि पहचानने के लिए, पहुंचने के लिए डायरेक्शंस यानी दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्शंस हेल्प अस टू रीच अ प्लेस विच इज़ नॉट फेमिलियर टू अस। जो हमारे लिए डायरेक्शन हमें हेल्प करती हैं बेटा, किस चीज़ में, कि किसी भी जगह पर पहुंचने में जो कि हमारे लिए फेमिलियर ना हो, यानी कि जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा आते जाते ना हों। देयर आर फोर मेजर डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये तो बच्चों आपको सभी को आई हो पता ही होगा कि डायरेक्शंस मेनली कितनी होती हैं। मेजर डायरेक्शंस फोर होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट। सन ऑलवेज सन हमेशा कहाँ पर राइज होता है बच्चों? ईस्ट में। व्हाट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईस्ट? ईस्ट के अपोजिट डायरेक्शन क्या होती है बेटा? वेस्ट। कि सन ईस्ट में राइज होता है और वेस्ट में सेट होता है। सुबह सुबह मॉर्निंग में आप लोग देखिएगा कि सन कहाँ से निकलता है, अपोजिट सनसेट। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ईस्ट, ईस्ट की लेफ्ट हैंड साइड पर बेटा नॉर्थ होता है। एंड ऑन द राइट हैंड साइड लाइज साउथ। कि राइट हैंड की साइड कौन सा होगा? नॉर्थ, सॉरी, राइट हैंड साइड पे होगा साउथ एंड लेफ्ट हैंड साइड पे होगा नॉर्थ। बच्चों इसके लिए एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अगर हमारा फेस ईस्ट की तरफ यानी कि सनराइज की तरफ होगा तभी हमारे लेफ्ट और राइट हैंड की तरफ नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन सही पता कर सकते हैं हम, अदरवाइज इट विल बी अपोजिट। राइट एंड लेफ्ट आर कॉमन डायरेक्शंस। ये तो सभी को पता बेटा, राइट और लेफ्ट तो कॉमन है, हम आम तौर पर बात करते हुए यूज करते ही रहते हैं ये वर्ड तो। विच टेल अस हाउ टू लोकेट प्लेस, कि जो हमें ये बताती हैं कि हमें कोई भी प्लेस कैसे लोकेट करना है, कैसे डिसाइड करना है कि कौन सी लोकेशन में हमें जाना है। दीज डायरेक्शंस आर कॉमनली यूज टू लोकेट प्लेस बिसाइड्स द अदर डायरेक्शंस। ये जो लेफ्ट एंड राइट होते हैं ये हमें किस चीज़ के लिए हेल्प करते हैं? कि अदर डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इनको पता लगाने में हेल्प करते हैं। डायग्राम, अ ड्रॉइंग दैट शोज अरेंजमेंट एंड रिलेशंस। ये देखिए बच्चों, एक पिक्चर बनाई गई है जिसमें आपको रिलेशन बताया गया है कि बैंक इज इन द वेस्ट टू ऑफ द पार्क।
पार्क कहाँ है बेटा? ये रहा पार्क की लेफ्ट में क्या है? बैंक है। पार्क इज इन द वेस्ट हॉस्पिटल की वेस्ट में पार्क है। इसी तरह इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए बच्चों। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, कल हम मैप्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके बेटा, इसको अच्छे से रीड करना है, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड लगते हैं उनको राइट कीजिएगा अपने रफ नोटबुक में और अच्छे से उनको बार बार रीड करने की कोशिश कीजिए।